ताजनगरी में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण बीती रात आगरा कॉलेज के सामने देखने को मिला। यात्रियों से भरी महोबा डिपो की बस विद्युत पोल को तोड़ती हुई डिवाइडर पर चढ़ गई। घटनाक्रम की जानकारी होते ही इलाकाई थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। ताजनगरी आगरा में तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कई बार शहरवासियों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण बीती रात एमजी रोड पर देखने को मिला। आगरा कॉलेज के सामने महोबा डिपो की बस विद्युत पोल को तोड़ते हुए डिवाइडर पर चढ़ गई। बमुश्किल यात्री जान बचाकर बस से नीचे उतरे। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। राहगीरों ने बताया कि घटना रात्रि लगभग 3 बजे की है। हमने जोर का धमाका सुना और दौड़कर बस के पास आए, तब तक थाना पुलिस भी मौके पर आ गई थी। बस में लगभग 20 से 25 सवारियां बैठी हुई थीं, जिसमें 2-4 सवारी घायल हो गई थी। एकदम आवाज आई थी तो आप कुछ लोग भागे आए थे यहाँ पे जी, मौके पर पुलिस आ गई जी, सवारियों को निकाल कर ले गए थे। लगभग कितने यात्री सवार थे बस में? करीबन 25-26। किसी की जान तो नहीं बनाई है? सभी सुरक्षित है? डिवाइडर पर बस चढ़ने से एमजी रोड यातायात मार्ग पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो चला था। जब इसकी जानकारी एसपी ट्रैफिक से ली गई तो एसपी ट्रैफिक ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही क्रेन के माध्यम से बस को हटाने के लिए भेज दिया गया है। कुछ ही समय में यातायात मार्ग पूर्ण रूप से सुचारू कर दिया जाएगा। जैसे ही मेरी जानकारी में आया, तत्काल बात करके संबंधित थाने से और क्रेन वहाँ पे भेजी गई है। अभी बस को हटाया जा रहा है और यातायात वहाँ और कर्मियों को बढ़ा दिया गया है। यातायात सुचारू रूप से चलवाया जाएगा। कहीं भी ऐसी जानकारी आती है त्वरित कार्यवाही कराई जाए। सर, कोई जानमाल को खतरा तो नहीं है? कोई जानकारी है इस बारे में यात्रियों की? नहीं, इस यहाँ पे आपके माध्यम से और अन्य माध्यम से जो जानकारी मिली वो ट्रैफिक की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिली, इस बारे में जानकारी करके ही बता सकते। डीजी महाराजा न्यूज के लिए फैजान अहमद की रिपोर्ट।